हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए आज हम काइनेमैटिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। तो काइनेमैटिक्स जो टॉपिक होता है उसके अंतर्गत हम टाइप ऑफ मोशन को डिस्कस करते हैं, यानी मोशन कितने टाइप का होता है उसको हम काइनेमैटिक्स के अंतर्गत डिस्कस करते हैं। मोशन किस कारण हो रहा है उसको हम काइनेमैटिक्स में डिस्कस नहीं करते। तो काइनेमैटिक्स के अंतर्गत हम स्ट्रेट लाइन मोशन यानी वन डायमेंशन मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव मोशन, सर्कुलर मोशन, रिवर कॉन्सेप्ट और ग्राफिकल एनालिसिस, यानी इन पोर्शन को हम काइनेमैटिक्स के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन मोशन यानी वन डायमेंशन मोशन को डिस्कस करते हैं। तो देखिए स्ट्रेट लाइन मोशन में सबसे पहले हम डिस्टेंस के बारे में जानते हैं। डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होती है? बॉडी के द्वारा जो एक्चुअल पाथ लेंथ कवर की जाती है उस लेंथ को हम बोलते हैं डिस्टेंस, यानी जिस पाथ पे बॉडी मूव करती है उस पाथ की एक्चुअल लेंथ को हम बोलते हैं डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ लेंथ। कवर्ड बाय द बॉडी, जैसे यहाँ पर हम एक डायग्राम लेते हैं, तो देखिए ये मैंने कर्व लिया है, तो इस कर्व में बॉडी ए पॉइंट से मूव करेगी। ये ए बी सी डी कर्व है, तो जो ए बी सी डी कर्व की जो टोटल लेंथ होगी उस लेंथ को हम बोलेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस की जो एस आई यूनिट होगी, एस आई यूनिट, तो ये मीटर होती है। डायमेंशन, एम जीरो एल वन टी जीरो होती है। तो ये हो गया डिस्टेंस के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? जब बॉडी किसी पाथ, किसी भी पाथ पे कोई भी बॉडी मूव कर रही हो तो इनिशियल टू फाइनल जो स्ट्रेट लेंथ होती है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। यानी बॉडी इस तरह से किसी पाथ पे ये मूव कर रही है, ये पाथ लिया है मैंने, तो ये ए पॉइंट से इस फाइनल बी पॉइंट तक जो स्ट्रेट लेंथ होगी इस लेंथ को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये होती है यूनि डायरेक्शनल पाथ लेंथ, यानी किसी एक डायरेक्शन में जो पाथ लेंथ होती है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्टेंस जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। इसकी एस आई यूनिट, एस आई यूनिट मीटर होगी, और डायमेंशन एम जीरो एल वन टी जीरो होगी। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में था। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन क्या होता है? रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस
एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन क्या होगा, तो ये हम फिर से कर्व लेते हैं। ये बॉडी ए पॉइंट से स्टार्ट करती है, ये बी पॉइंट, सी और डी। तो जो डिस्प्लेसमेंट होती है बॉडी की इनिशियल टू फाइनल, ये डिस्प्लेसमेंट होता है। और जो डिस्टेंस होगी तो ए से डी पॉइंट के लिए जो ए बी सी डी आर्क की टोटल लेंथ जो होगी वो डिस्टेंस होगी, और ये ए से डी स्ट्रेट पाथ लेंथ जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट की जो लेंथ है वो डिस्टेंस से इस कंडीशन में कम है। तो इस तरह से जो रिलेशन आएगा, डिस्टेंस इज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब इक्वल कब होगी, जब बॉडी स्ट्रेट पाथ पे मूव करती है। जैसे यहाँ पे मैंने इसको चौक को ड्रॉप किया तो ये स्ट्रेट पाथ पे मूव करेगी। तो जब बॉडी स्ट्रेट पाथ पे मूव करती है तो उस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होते हैं। अदर कंडीशन में जो डिस्टेंस की लेंथ होगी वो डिस्प्लेसमेंट से अधिक होती है। यहाँ पर मोड इसलिए लगाएंगे क्योंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो ये रिलेशन आ जाएगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में। इसके बाद स्पीड, तो स्पीड जो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस जो होती है टाइम के रिस्पेक्ट में, इसको हम बोलते हैं स्पीड। स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। स्पीड की जो ऐसा यूनिट होती है वो मीटर पर सेकेंड होगी, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड। और इसकी जो डायमेंशन होगी वो एम जीरो डायमेंशन एम जीरो एल वन टी माइनस वन हो जाएगी। ये इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, और मीटर सेकेंड इनवर्स। तो ये स्पीड की डायमेंशन आ जाएगी। अब स्पीड दो टाइप की होती है, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड की जो हम बात करेंगे तो एवरेज स्पीड को हम इन एन इंटरवल डिस्कस करते हैं। तो इसको हम इन एन इंटरवल डिस्कस करेंगे। तो एवरेज स्पीड जो आएगी ये टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। ये एवरेज स्पीड होगी,
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। ओके, इसके बाद इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम एट ए पॉइंट डिस्कस करेंगे, एक पॉइंट पे, एट ए पॉइंट, बहुत स्मॉल इंटरवल होगा, ये इस तरह से कोई बॉडी मूव कर रही थी तो यहाँ पर ये कोई पॉइंट हमने पी लिया है, तो इस पॉइंट पे ये बॉडी का डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा सा डी आर होगा, सॉरी डिस्टेंस जो कवर होगी, और इस टाइम यहाँ पर जो टाइम लगेगा वो डी टी लगेगा, स्पीड है तो यहाँ पर डिस्टेंस लेंगे, तो जो बॉडी लेंथ कवर करेगी वो डी आर लेंथ कवर करेगी, तो यहाँ से इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो जो डिस्टेंस कवर हुई है वो डी आर और जो टाइम लगेगा वो डी टी लगेगा, तो ये वी की वैल्यू डी आर अपॉन डी टी होगी। डिफरेंशियल टाइम में डिफरेंशियल लेंथ कवर हो रही है बहुत छोटी सी स्मॉल, तो ये वी की वैल्यू डी आर बाई डी टी होगी। अब देखिए नेक्स्ट रीडिंग इसमें लिखिएगा वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, इसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड एंड डायमेंशन m0 l1 t-1, तो ये वेलोसिटी हो जाएगी। वेलोसिटी भी दो टाइप की होगी, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी को हम इन एन इंटरवल डिस्कस करेंगे, इन एन इंटरवल, तो एवरेज वेलोसिटी जो होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इंटरवल को हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इंटरवल, इसके बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्या
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम एट ए पॉइंट डिस्कस करेंगे, एट ए पॉइंट। तो जब हम एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो यहाँ पर ये मैंने कर्व लिया है और ये कोई पॉइंट लिया है, तो बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल होगा एक पॉइंट के लिए। तो इस छोटे से इंटरवल में जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होगा ये वेक्टर डी आर होगा, और यहाँ पर जो टाइम इंटरवल होगा वो डी टी होगा। तो ये वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर डी आर अपॉन डी टी के इक्वल हो जाएगा। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी। एक पॉइंट पे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिस्कस करते हैं। इसके बाद रिलेशन बिटवीन एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। तो देखिए एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में क्या डिफरेंस होता है, क्या रिलेशन होता है, वो हमें लिखना है। देखिए यहाँ पर ये मैंने कर्व लिया है, तो ये यहाँ पे हम कोटा टू कानपुर जाएंगे, तो ये इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा पाथ होगा जिगजैग। ये बाइक रोड जा रहे हैं, तो ये इस तरह से पाथ होगा। तो यहाँ t इज इक्वल टू टी वन टाइम पे हम कोटा से स्टार्ट करेंगे और t टू टाइम पे यहाँ पे कानपुर पहुँचेंगे। तो एवरेज स्पीड जो होगी वो टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम इंटरवल होगी, एवरेज स्पीड। तो टाइम इंटरवल दोनों के लिए डेल्टा टी की वैल्यू टी टू माइनस टी वन सेम रहेगी, लेकिन जो एवरेज स्पीड के लिए पाथ लेंथ है वो अधिक होगी, और एवरेज वेलोसिटी के लिए ये डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट कम होगा डिस्टेंस से, तो जो रिलेशन होता है ग्रेटर और इक्वल होता है मोड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। यानी जो एवरेज स्पीड होती है वो ग्रेटर और इक्वल टू मोड ऑफ एवरेज वेलोसिटी की होगी। इक्वल कब होती है, जब बॉडी स्ट्रेट पाथ पे मूव करे इस तरह से। ये स्ट्रेट पाथ पे जब बॉडी मूव करेगी तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा और डिस्टेंस दोनों इक्वल होते हैं, तो जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होंगे तो उस कंडीशन में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल होगी। अदर कंडीशन में एवरेज स्पीड ग्रेटर होगी एवरेज वेलोसिटी के, तो ये रिलेशन आ जाएगा एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी में। ओके इसके बाद रिलेशन बिटवीन इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या रिलेशन होगा, तो देखिए यहाँ पर
ये हमने कोई एक पॉइंट लिया, बॉडी मूव कर रही है इस पाथ पे, तो इस पी पॉइंट पे बॉडी डी टी टाइम में जो लेंथ कवर करेगी ये डी आर होगी। अब बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल है डी टी टाइम, तो उस कंडीशन में जो लेंथ होती है यानी जो डिस्टेंस होगी और जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों इक्वल हो जाते हैं बहुत छोटे से टाइम इंटरवल के लिए। तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होगी वो इक्वल होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के। तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल हो जाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के, एवरेज स्पीड ग्रेटर और इक्वल होगी एवरेज वेलोसिटी के, सॉरी यहाँ पर भी मॉड लेंगे, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है। तो ये रिलेशन होता है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का, एवरेज स्पीड इज ग्रेटर और इक्वल टू मॉड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू मॉड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब देखिए इस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे ये मैंने कोई बॉडी ली है, ये ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करेगी, ये यहाँ पर इसकी वेलोसिटी वी वन है और ये बी पॉइंट तक जाएगी वी वन वेलोसिटी से, फिर B पॉइंट पे अपनी वेलोसिटी चेंज करेगी V2 करेगी और ये C पॉइंट तक ट्रेवल करेगी। A से B की डिस्टेंस x है और B से C की भी डिस्टेंस x है। तो अब A से C के लिए आपको एवरेज स्पीड बतानी है, AC इंटरवल के लिए एवरेज स्पीड। तो देखिए A से B के लिए हमको वेलोसिटी दी है और A से B की जो डिस्टेंस है x दी गई है, B से C की जो वेलोसिटी है वो V2 है और B से C के बीच की डिस्टेंस x है। तो यहाँ पे हमको A से C के लिए फाइंड करना है, तो यहाँ पे पहले A से B का टाइम पता होना चाहिए और B से C का। तो यहाँ पे हम ये टाइम T1 मान लेते हैं और ये टाइम टी टू बी से सी। अब ए सी इंटरवल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको टी वन टी टू फाइंड करना होगा, उसके लिए हमको पहले ए बी इंटरवल सॉल्व करेंगे। तो ए बी इंटरवल में वी वन इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी वन के होगा और यहाँ से टी वन की वैल्यू आ जाएगी एक्स अपॉन वी वन के इक्वल। इसी तरह से बी सी इंटरवल जब लेंगे तो V2 इज इक्वल टू होगा x अपॉन T2 के, तो ये V2 इज इक्वल टू x अपॉन T2, तो यहाँ से T2 की वैल्यू आएगी x अपॉन V2 के इक्वल। ये दो इक्वेशन हम लिख लेते हैं। अब हमको ए सी इंटरवल सॉल्व करना है, तो AC इंटरवल के लिए टोटल डिस्टेंस, तो A से C के बीच की टोटल डिस्टेंस है x प्लस एक्स टू एक्स अपॉन टोटल टाइम T1 प्लस T2। तो यहाँ पर 2x अपॉन T1 की वैल्यू पुट करेंगे
एक्स अपॉन वी वन प्लस एक्स अपॉन वी टू। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसमें x कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, तो ये बचेगा 2 अपॉन 1 अपॉन वी वन प्लस 1 अपॉन वी टू। यहाँ पर वी वन वी टू एलसीएम लेंगे, तो ये वी वन वी टू एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा वी वन प्लस वी टू। तो ये एवरेज स्पीड आएगी एसी इंटरवल के लिए 2v1v2 अपॉन वी वन प्लस वी टू। तो ये एसी इंटरवल के लिए एवरेज स्पीड की वैल्यू आएगी 2v1v2 डिवाइडेड बाई वी वन प्लस वी टू। एक इस पे एग्जाम्पल और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इस बार जो हमने एग्जांपल लिया है, इसमें बॉडी ए से बी वी वन वेलोसिटी से मूव कर रही है और बी से सी वी टू वेलोसिटी से मूव कर रही है। अब ए से बी जो टाइम लगेगा वो टी टाइम लगेगा और सेम टाइम लगेगा बी से सी के लिए। तो इसमें एवरेज स्पीड फाइंड करनी है ए सी इंटरवल के लिए। तो अब यहाँ पर हमको ए से बी की जो डिस्टेंस है वो नहीं पता है, तो इसको हम एक्स वन मान लेते हैं और बी से सी के लिए डिस्टेंस एक्स टू। तो ए से बी की डिस्टेंस हमने एक्स वन मान ली और बी से सी की डिस्टेंस एक्स टू मान ली। अब इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम ए बी इंटरवल को सॉल्व करेंगे, फिर बी सी और उसके बाद फाइनल ए सी। तो सबसे पहले हम इंटरवल लेंगे ए बी, तो ये v1 इज इक्वल टू होगा x1 अपॉन t, तो यहाँ से x1 की वैल्यू आ जाएगी v1t। इसके बाद bc इंटरवल सॉल्व करेंगे, तो ये v2 इज इक्वल टू होगा x2 अपॉन t, यहाँ से x2 की वैल्यू आएगी v2 इंटू t के इक्वल। और फाइनल एसी इंटरवल जब सॉल्व करेंगे तो ये एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टी प्लस टी हो जाएगा टू टी, और ये होगा वी वन टी प्लस वी टू टी डिवाइडेड बाई टू टी। यहाँ पर टी कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, तो वी वन प्लस वी टू अपॉन टू, ये वी ए सी की वैल्यू आएगी एवरेज स्पीड ए सी इंटरवल के लिए। ओके तो इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे।